हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं लास्ट एक महीने से एक एयरबड यूज़ कर रहा हूँ एंड सोचा क्यों ना आप लोगों से इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए लास्ट एक महीने का। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिगर अल्ट्रा बड्स N1 नियो का। इनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप है और ये काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस के साथ आता है। ओनली 799 देकर इसको आप लोग परचेस कर पाओगे और इसके साथ एक साल की वारंटी भी मिलती है और ये टोटल दो कलर वेरियंट में आता है। मेरे पास ये स्काई ब्लैक, इसके अलावा ब्लेज व्हाइट में भी मिल जाएगा। इसके बॉक्स कंटेंट की बात करें तो व्हाइट एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसके बैक साइड में कुछ स्पेक्स वगैरह मेंशन है जो आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इसको ओपन करते ही गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल QR जिसको आप लोग स्कैन करके इसका कैसे यूज़ करना होता है जान पाओगे। एंड साथ में गाइस, यहाँ पे 10% डिस्काउंट का एक कूपन भी है। इसके अलावा सम एक्स्ट्रा बड्स और चार्जिंग के लिए USB A2 Type-C केबल। इसकी लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो ये अल्ट्रा बड काफ़ी स्टाइलिश और यूनिक डिजाइन के साथ आता है। इसके दोनों कलर काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं और इसमें आपको एक एस्थेटिक फील भी मिल जाएगा। इसका केस भी बहुत थिन एंड लाइट है विथ राउंड एचेस, तो कैरी करने में भी इजी होगा। और इसकी स्पीकर्स की बात करें तो इसमें बेस एक्सपेंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और हाई फिडेलिटी के लिए 30mm का ड्राइवर स्पीकर्स भी है और मेरा लिसनिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहा है। इसके साउंड में एक अलग ही क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगा और वॉल्यूम फुल करने के बाद भी नॉइज़ में डिस्टॉर्शन नहीं रहता है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी एक इम्प्रेसिव बात है। इसके बड्स में टच कंट्रोल है जिससे आप लोग म्यूजिक प्ले, पॉज या फिर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो साउंड्स को। और ये टच पैनल की सेंसिटिविटी परफेक्ट है और इससे काफ़ी आसानी से आप लोग ये सब काम कर सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत एयरबड्स में इसका तो टच पैनल है कुछ दिन यूज़ करने के बाद ठीक से काम नहीं करता। लेकिन गाइज, ये ट्रिगर अल्ट्रा बड्स NEO के साथ मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। इसमें वॉइस असिस्टेंट भी है तो आप लोग Hey Siri या फिर ओके गूगल बोलकर इसको एक्सेस कर पाओगे। इसकी कॉलिंग क्लियरिटी की बात करूँ तो इसमें ट्रूकम टेक्नोलॉजी से पावर डुअल MEMS माइक एंड AI ENC है। सो गाइज, अगर मैं अपना कॉलिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँ इसका, तो मैं एक काफ़ी ज़्यादा क्राउड से भरा मार्केट में गया था एंड गाइस, मैं कॉल कर रहा था एंड ट्रस्ट मी, जो सामने वाला बंदा है, मैं जिसको कॉल कर रहा था उसको बिल्कुल भी कुछ भी नॉइस वगैरह नहीं आ रहा था मार्केट का। ओके, वो काफ़ी अच्छे से मेरे बातों को सुन सकता था। सो यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा कॉलिंग क्लियरिटी भी मिलता है। इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो टोटल 40 आवर्स का प्ले टाइम देता है और यही नहीं, ओनली 5 मिनट्स चार्ज करके गाइस 300 मिनट्स तक ये चलता है, यानी कि 5 आवर्स का प्ले टाइम देता है ओनली 5 मिनट्स चार्ज में ही। और ये ट्रिगर का नई जिप चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि टाइप सी चार्जिंग को बना देता है अल्ट्रा फास्ट। और मुझे इस एक महीने में एक बार भी नहीं लगा कि इसका बैटरी ख़त्म हो गया, क्योंकि जस्ट कुछ टाइम चार्ज करने पे ही गाइस ये फुल डे यहाँ पे बैटरी बैकअप दे देता है। और फाइनली, अगर आप गेमिंग के लिए इसको गाइस यूज़ करना चाहते हो, अगर आप लोग BGMI जैसे गेम प्ले करते हो, तो इसके लिए आपको मिलता है 50ms का लो लेटेंसी, यानी कि जो एनिमी का फुटस्टेप है या फिर गाइस आपका जो टीममेट्स है उनके वॉइस काफ़ी क्लियर सुनाई देता है। तो अभी आता है सबसे ज़रूरी बात कि ये अल्ट्रा बड्स N1 नियो को परचेस करें या नहीं। तो गाइज, अगर मैं कंपैरिजन करूं इसी सेगमेंट का कुछ अदर ब्रांड्स का बड्स के साथ, जैसे कि बोल्ट W20, मेबी डुओपोड D3 और नॉइस बड्स, तो ये सेगमेंट के चारों बड को मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे मुझे जो फील हुआ है एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इन चारों में से किसी एक को पिक करना। तो पहले बेस की बात कर लेते हैं। तो गाइस, ये जो तीनों बड्स आप लोग देख रहे हो, नॉइज़ का, जो बोल्ट एंड मेबी, इससे बेटर आपको बेस मिलेगा ये जो ट्रिगर का N1 नियो है। इसमें हाई एंड वोकल्स आर क्रिप एंड क्लियर देन D3, ऑल्सो बैटरी बैकअप इज बेटर देन W20 एंड D3, और सिमिलर बैटरी बैकअप है इन दोनों का, नॉइज एंड ट्रिगर। एंड गाइज, इफेक्टिव नॉइज कैंसलेशन एंड क्लियर कॉलिंग की बात करें तो ये बोल्ट एंड ट्रिगर के अंदर आप लोगों को काफ़ी बेटर नॉइज कैंसलेशन के साथ साथ क्लियर कॉलिंग भी मिलता है। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन में आऊँ, ये जो मेरे पास यहाँ पे चार प्रोडक्ट है इसी सेगमेंट के अंदर, तो मैं गाइज डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से ये ट्रिगर को यार रिकमेंड आपको करूँगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलता है जो ये तीन यहाँ पे ये सब फीचर्स को पूरा नहीं कर पाता है। इसको अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो गाइज, इसका लिंक मैं आपको डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर एक बार से चेकआउट कर लेना। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना। फर्स्ट टाइम आए हो मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।